अच्छा जी, कन्वर्जन में हमारे पास लास्ट जो कन्वर्जन थी वो है साइन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। यानी आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी लेकिन वो साइन डेटा होगी, मींस के आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है उसका वो या तो 0 से 7 तक होगा या 8 से F तक होगा, इन्हीं के दरमियान होगा ना कोई डिजिट। तो उससे आपको आइडिया होगा कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, ऐसे ना। यस अगर आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है उसकी 8 से लेकर F तक होगी ना, F के दरमियान में होगी कोई। तो फिर आपने यस क्या करना है, उसका 2's कंप्लीमेंट निकाल लेना, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, साइन हेक्साडेसिमल से हम कन्वर्जन कर रहे थे डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास जब हेक्साडेसिमल फॉर्म हेक्साडेसिमल वैल्यू दी गई होगी तो वो जब आप कहते हैं ये साइन वैल्यू है तो फिर आपने उसका भी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखना होता है। जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होगा, 8 से लेकर F के दरमियान कोई कोई एक होगा, ठीक है। जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू है मींस के उसका डिजिट का पता लग गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का पता लग गया, तो फिर आप उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2's कंप्लीमेंट से। और 2's कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, 15 से माइनस करने से। हर फिफ्टीन से माइनस करने बाद में फिर डिजिट वन को ऐड कर। 15 से माइनस कर दें और लास्ट जो डिजिट जब आपके पास आंसर आ जाए तो उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में 1 ऐड कर दें तो आपके पास 2's कंप्लीमेंट निकल आएगा। जब 2's कंप्लीमेंट में निकल आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, ऐसे ही है ना। यस सर। जब वो पॉजिटिव है तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, यस सर। उसका फॉर्मूला आपके पास है डी डेसिमल इज इक्वल टू DN-1 मल्टीप्लाई 16 रेज़ टू पावर N-1, क्योंकि हेक्साडेसिमल फॉर्म थी, यस सर। ठीक है कि नहीं। यस सर ठीक। यहाँ समझाने के लिए नोटपैड ओपन करूं, हाँ सर समझ आ गई। बाकी लोगों को यस सर समझ आ गए। सर ये जो हेक्साडेसिमल में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसको कंसीडर करेंगे जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट मोस्ट करेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट आप कंसीडर करेंगे। अगर तो आपके पास वो वैल्यू 8 से F के दरमियान में है, 8 से F के दरमियान में है तो वो हेक्साडेसिमल वैल्यू नेगेटिव होगी। मैं यहाँ पे आपको टेबल दोबारा शो करवाता हूँ जिसमें मैंने 4 4 ये आपके सामने एक टेबल शो हो रहा है, ये बड़ा टेबल, ये वाला बाइनरी डेसिमल यस हेक्सा, ऐसे ही है। अच्छा अब यहाँ पे देखें डेसिमल वैल्यू 0 से लेकर 7 तक। अगर तो मैंने ये बात की थी कि अगर हेक्सा डेसिमल वैल्यू साइंड वैल्यू है, हेक्सा डेसिमल वैल्यू साइंड वैल्यू है तो उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या 0 होगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6 या फिर 7 होगा। उसकी रीजन, इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखो पॉजिटिव 0 है ना, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 है तो वो पूरा नंबर क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ये किन के बाइनरी कोड है, 0 से लेकर 7 तक के बाइनरी कोड है, ऐसे ही यस ना। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज यस पॉजिटिव होंगी। अब अगर आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 8 से लेकर F के दरमियान में 15 के दरमियान में, तो आपके पास इनके बाइनरी वैल्यू जनरेट जब करते हैं तो फिर आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 नहीं है सब में। यस सर। जब 1 है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो इसका यस सर। मतलब ये है कि आपने जब भी आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको दी जाए और ये कहा जाए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या साइंड डेटा है, साइंड हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो यस आप सर। कैसे पहचानेंगे कि ये नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है। 0 से 7 पॉजिटिव और 8 से F नेगेटिव। डेफिनेटली क्लियर। यस यस हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई बात पूछने वाली हो।
तो यहाँ पे हमने यही बात की है कि आपके पास अगर एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है और आप ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे। अगर वो नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव डिजिट है, तो फिर आपने क्या करना है, उसका टूज कम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कम्प्लीमेंट निकालने के बाद आपके पास पॉजिटिव वैल्यू जनरेट होगी, उसकी पॉजिटिव हेक्साडेसिमल आ जाएगा, और पॉजिटिव हेक्साडेसिमल को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। क्लियर? यस सर। अच्छा, एग्जांपल तो नहीं करनी, कोई एग्जांपल करनी है तो बताएं, मैं कर देता हूँ। समझ आ गई है। और बाकी लोग सबको आ गई है? यस सर, समझ आ गई। आगे चलें, अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास साइन डेटा के हवाले से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपके पास साइन बाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब उसमें आपके पास जो रेंज बनेगी वैल्यू की, रेंज -7 to 7 से लेकर +2 to 7 -1, ये उसकी रेंज बनेगी। और बिट, उसमें स्टोरेज बिट्स कितने होंगे? 8। वर्ड में 16 बिट, डबल वर्ड में 32, क्वाड वर्ड में 64 और डबल क्वाड वर्ड में 128, और उसी के मुताबिक उनकी रेंज। पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों कंसीडर होंगी, ठीक है? यस सर। यानी अगर आपके पास बाइट, साइन बाइट है, तो उसमें वैल्यू रेंज क्या बनेगी? -128 से लेकर +127 तक, ठीक है? यस सर। और वर्ड में आप अगर कंसीडर करें, तो वर्ड में आपकी रेंज क्या बनती है? -32,768 से लेकर +32,767 तक, ऐसे ही है ना? 16 बिट होती है, 16 में से 15 बिट आपकी डाटा के लिए यूज होनी है और 16वीं बिट आपकी साइन के लिए यूज होनी है। यस क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में आपके पास एक वैल्यू छोटी होगी, एक वैल्यू बड़ी होगी। तो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर 13 में से 7 माइनस किया जा रहा है, 13 का कोड लिखा हुआ है और 7 का कोड लिखा हुआ है। तो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है, ये 0 हमने प्लेस कर दिया। 0। अब 0 माइनस 1 नहीं होता, तो क्या करेंगे? 1 बारो नेक्स्ट बिट से बारो करेंगे। जब 1 बारो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2। 2 हो जाएगा। 2 माइनस 1 1 1 आ गया। और यहाँ क्या रह गया था? 0, क्योंकि यहाँ से 12 लेगा और ये नेक्स्ट बिट से 12 लेगा 1, तो ये क्या बन जाएगा? 2। 2 माइनस 1 1 1 ये 1 आ गया, और नेक्स्ट बिट जो 1 थी, अब वो क्या बन गई है? 0। 0 जीरो में से जीरो माइनस करें, जीरो जीरो में से जीरो माइनस करें, जीरो, तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया? 0 0 1 1 0, फिक्स आंसर आ गया। क्लियर? यस सर। यानी आप, आपकी अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होती, तो आप नेक्स्ट बिट से बारो कर सकते हैं, ठीक? यस सर। एक और वे है कि आप ऐसा करें, जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, आप उसका टूज कम्प्लीमेंट निकाल लें, उसका टूज कम्प्लीमेंट निकाल लें। जब आप टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो वो बन जाएगा पॉजिटिव। यस सर। तो वो जो पॉजिटिव बनेगा, उसको ऐड कर दें दूसरे नंबर के साथ, तो आपके पास फिर भी आंसर एक्यूरेट फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, वही आपके पास +13 और 7 था, 7 उसमें से हम क्या कर रहे थे? माइनस, ऐसे ही था ना? ये देखें, 13 माइनस 7, ये माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है और 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। यस सर। तो हम क्या कहते हैं, -7 को उसका टूज कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो क्या बन जाएगा?
पॉजिटिव 7 यानी उसका यानी 7 का आप क्या करें 2 कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो वो -7 भी कंसीडर होगा। 7 का भाई पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू का 2 कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। यस सर। एब्सोल्यूट वैल्यू का 2 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो उसको माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। तो ये इसका -7 का कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही है। यस सर। कैसे निकला है आपके पास 7 जो बाइनरी कोड है उसको हम किस तरह से लिखते हैं 0111111। यस यस सर। यस सर। इसको अगर आप रिवर्स इसका करें अगर 5 बिट में है डाटा तो पहले 00 को आप कर देंगे 11 और 111 को आप कर देंगे 000। यस सर। और फिर 1 ऐड कर देंगे। फिर 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और वो 2's कॉम्प्लीमेंट आने के बाद ये आपके पास ये वैल्यू बनती है 11001 ऐसे ही है। यस सर यही। अब इन दोनों को ऐड कर दें इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास आंसर +6 ये आता है 6। अब ठीक है। यस सर ठीक। आसान ये है कि आप उसको उसका माइनस वैल्यू को आप क्या कर दें उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लें उसके पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दें और जिस नंबर से आपने माइनस करना था उस नंबर में आप उसको ऐड कर दें। ठीक है। यस सर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर स्टोरेज है ये आप देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा ये इसमें आंसी कोड और आस्की कोड वगैरह के बारे में यूनिकोड के बारे में यानी 7 बिट 8 बिट 16 बिट 32 बिट कोड होते हैं स्टोरेज के लिए। ठीक है। आस्की कोड का पता है ना भाई आस्की कोड का पता है ये जो अल्फाबेट्स के लिए होते क्योंकि स्टोरेज जो होती है कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर हार्ड के अंदर जो स्टोरेज होती है वो किस फॉर्म में होती है बाइनरी फॉर्म में होती है ना। यस सर। तो बाइनरी फॉर्म आप कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को या अल्फाबेटिक वैल्यू को आप न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हर करेक्टर के अगेंस्ट एक कोड जनरेट कर दिया जाता है और उस कोड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी फॉर्म में देन आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। आप अगर गूगल पर लिखें आस्की चार्ट तो आप वहां से आप आस्की चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं पहले ये 7 बिट का होता था अब ये 8 बिट का है यानी 256 करेक्टर 0 से लेकर 255 तक आपके करेक्टर उतने ही कोड है तो आप बता सकते हैं कैपिटल ए का आस्की कोड क्या होता है। अगर 97 में क्या माइनस करें कि 65 पे आप पहुंच जाएं तो लाजम बात है आप 97 में से 65 माइनस कर दें तो डिफरेंस जो होगा वही ऐड कर दें 65 में तो 97 पे पहुंच जाएंगे या 97 से उतना माइनस कर दें डिफरेंस जो आपने निकाला है वो 32 निकलता है। बात फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं yes, 65 में 32 ऐड करूंगा तो कितना आंसर आता है 97। तो 97 किसका कोड है स्मॉल ए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर मेरे पास करेक्टर स्मॉल ए यानी कैपिटल ए है उसको मैंने स्मॉल ए में कन्वर्ट करना है तो मैं कैपिटल ए में कितना ऐड करूंगा 32 ऐड करूंगा तो वो क्या बन जाएगा 97। और अगर स्मॉल ए में मैं 32 माइनस करूंगा तो फिर वो क्या बनेगा कैपिटल। तो समझ आई है बात। इसी तरह कैपिटल बी और स्मॉल बी का डिफरेंस 32 है। यस। अगर आपके पास डिजिट है तो डिजिट के भी आस्की कोड है यानी 0 डिजिट है तो 0 डिजिट का आस्की कोड 42 48 है। ठीक है।
यस सर क्लियर यस यस सर नाइन का ASCII कोड 57 इसी तरह प्लस का ASCII कोड है इसी तरह माइनस का इसी तरह स्पेस बैक स्पेस डेल बटन मुख्तलिफ आपके कीबोर्ड पर जो बटन हैं उन तमाम के ASCII कोड्स हैं जिनको हम बिहाइंड द सीन यूज कर रहे होते हैं समझ आ रही है यस सर यस सर यानी आप आपके माइंड में एक अब ये बात आ गई कि अगर आपके पास आपके पास एक स्ट्रिंग आ जाए जैसे आप आपका अपना नाम ही है जैसे अब्दुल मोइज आप इसको कैपिटल में लिख दें और इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे हर करेक्टर में 32 ऐड कर दें तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर स्मॉल में लिखा है हर करेक्टर से 32 माइनस कर दें तो वो कैपिटल में चला जाएगा समझ आ रही है बात की यस सर अभी कोई क्वेश्चन नो सर अच्छा यहाँ पे आपके पास सेक्शन रिव्यू में आपके पास कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन है इनको आपने देख लेना कन्वर्जन है सिंपल एडिशन है ठीक है ये डिफरेंट आपके सामने क्वेश्चन है इनको आपने अपने एंड पे अटेम्प्ट करना है एक्सरसाइज करनी है आपने इसकी नेक्स्ट हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू फॉल्स बुलियन अलजबरा में यूज होते हैं ठीक है जिसमें आप डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं बुलियन ऑपरेटर्स एंड और नॉट ये आप बुलियन एक्सप्रेशन में यूज करते हैं मोस्टली नॉट के लिए आप नेगेट का साइन यूज करते हैं या टिल्डा का साइन यूज करते हैं या सिंगल कोट का साइन यूज करते हैं ठीक है एंड के लिए कैरेट सिंबल और डॉट और के लिए वी और प्लस ये दो सिंबल आप यूज कर सकते हैं यहां पे देखें ये नेगेट एक्स इसका मतलब है एक्स नॉट एक्स यानी एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो उसको क्या करेगा ये वन अगर वन है तो वन को जीरो बना देगा क्लियर उसके बाद एक्स एंड वाई है एक्स और वाई है इसी तरह नेगेट एक्स और वाई और फिर एक्स एंड वाई का नेगेट है यानी नॉट है फिर आपके पास एक्स एंड नेगेट वाई यहाँ पे देखें एक्स है और एक्स का नेगेट इनपुट वैल्यू अगर आपके पास फॉल्स है तो नेगेट एक्स क्या करेगा उसको ट्रू कर अगर ट्रू है तो उसको क्या करेगा फॉल्स और जब आप एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो एंड ऑपरेटर के लिए दोनों इनपुट का ट्रू होना जरूरी है जरूरी तो फॉल्स एंड फॉल्स आंसर फॉल्स फॉल्स और ट्रू यानी फॉल्स एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तब भी आपका एंड ऑपरेटर से आंसर फॉल्स इसी तरह ट्रू और फॉल्स को आप एंड अप्लाई कर दें तो आपके पास फॉल्स दोनों यहाँ पे ट्रू है तो आंसर ट्रू का मतलब वन और फॉल्स का मतलब जीरो ठीक है यस सर यहाँ पे उसने परफॉर्म करके एक एग्जांपल लेके परफॉर्म करके दिखाया है कि आपके पास वन और वन वन और जीरो वन और जीरो के दरमियान में अगर एंड अप्लाई करें तो आंसर जीरो क्योंकि जीरो क्योंकि दोनों वन नहीं है वन नहीं ट्रू नहीं है ठीक है अगर यही केस और में होता तो और में इसने ट्रू कर देना था उसको यहाँ पे देखे दोनों में से कोई एक ट्रू होना जरूरी है तो यहाँ पे देखे ट्रू कहाँ कहाँ है ये आंसर में ट्रू कहाँ कहाँ है आपके इनपुट में एक भी ट्रू आ गया तो समझो आपका आंसर ट्रू है ठीक है यस सर यस सर ये उसी तरह से एग्जांपल्स हैं कुछ ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हवाले से इनको आपने देख लेना है परफॉर्म करना है ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं
और इन एग्जांपल को अगर नहीं समझ लगती तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा। ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया, उसमें कुछ रिव्यू क्वेश्चन है आपके सामने, उनको भी देख लेना, और नेक्स्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको भी देख लेना। ठीक है? ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, यस ठीक है सर।